हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइज, मैं आज अभी ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा हूँ गाइज। तो मैं नुहा धुआ लिया, सब फ्रेश हो गया और मैं अभी ड्यूटी जाने के लिए रेडी हो गया गाइज। तो आप सब कैसे हैं गाइज? आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और गाइज, चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ हमारा काम करने का जगह, किचन पूरा प्रॉपरली। सो गाइज, मैं रेडी हो गया, अभी मैं ड्यूटी जाऊंगा, उधर ही से आपको वीडियो शूट करके दिखा दूंगा। अभी मैं रूम में हूँ फिलहाल, हम लोग रूम से पूरा ये सेटअप करके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो एक्चुअली ये है जो चेंजिंग रूम है वो बहुत दूर पड़ता है किचन से। सो हम लोग डायरेक्ट यहीं से हम लोग सब कुछ पहन के, कोट पैंट और जो भी है पहन के जाते हैं। तो गाइज, मैं रेडी हो गया, मेरे को अभी शूज लगाना है बस, शूज और कैप लगाना बहुत ज़रूरी है गाइज, क्योंकि यहाँ पे आजकल बहुत धूप ज़्यादा है, एकदम धूप बढ़ गया है, लगभग 40 के आसपास पहुँच गया होगा मे बी आई थिंक। तो गाइज, चलिए आज का धूप भी दिखा देता हूँ जाते जाते, और आप लोगों को मैं आज पूरा किचन दिखाऊंगा अपना। तो मैं रेडी हो गया और मेरा दोस्त लोग आ रहा है अभी, और उसके बाद जाएंगे, लेकिन मैं दोस्त लोगों को साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को थोड़ा सा वीडियो शूट करना है। सो मेरे को किचन में थोड़ा सा आगे पहुंचना पड़ेगा। सो टाइम हुआ 9:30, मैं निकल रहा हूँ गाइज। तो चलिए गाइज, तो फाइनली गाइज मैं रेडी हो गया, चलिए निकलते हैं इधर से आगे से। यह हमारा रूम और ये रही हमारा किचन छोटा सा, और ये दूसरा का रूम, मतलब दूसरा मतलब हमारा ये है। उसके बाद मैं रूम से निकल गया। फाइनली गाइज, मैं जी फ्लोर में आ गया, ग्राउंड फ्लोर में, उसके बाद निकलता हूँ। आज बहुत ज़्यादा धूप है गाइज, मतलब आज नहीं, हो गया एक हफ्ता बहुत ज़्यादा धूप है गाइज, आप देख सकते हैं, मैं दिखा दूँ। इसके लिए क्या आप आई ग्लास पूरा पहनना ज़रूरी है। सो गाइज, मैं जा रहा हूँ अभी ड्यूटी, आई ग्लास और ये सब पहन के जाऊँगा। देखिए फाइनली मैं निकल गया हूँ ड्यूटी, बहुत ज़्यादा धूप है गाइज, लेकिन कैप और आई ग्लास पहनने से आप मेरे को बहुत ठंडा मिला है, मतलब आपको नहीं मिलेगा। सो मैंने आई ग्लास भी खरीद लिया, कैप भी खरीद लिया। कैप एक रियल का है, आई ग्लास 500 पैसा का है गाइज, देख सकते हैं यहाँ पे, ज़्यादा महंगा नहीं है। 500 पैसा बोले तो यहाँ का 100 पैसा का 35 रुपये नेपाली होता है गाइज, मतलब आई सी लगभग 20-21 पड़ता है, 25-25, मतलब आई सी 100 का है नेपाली, 160-150 का है लगभग, मतलब गाइस परफेक्टली नहीं मैच होता है, थोड़ा हिसाब करना पड़ेगा जा। और एक रियल का होता है आई सी 316, और नेपाली होता है 345-346 होता है गाइस। सो अभी मेरे को एकदम आराम मिला है ये चश्मा खरीद के, मतलब आई ग्लास, गूगल जो भी बोल रहे हैं। तो फाइनली मैं रास्ते में गाइस जा रहा हूँ ड्यूटी, और मैं किचन दिखाऊंगा आज आप लोगों को। यहाँ पे मस्त, और आगे जा रहा है कोई, ये लोग भी वर्कर्स ही होगा, ड्यूटी में जा रहा होगा आई थिंक। ठीक है, अगर आगे जाऊंगा पहुंच जाऊंगा तो मैं पूछता हूँ गाइस। तो गाइस देखिए यहाँ का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ एक बार, बहुत ज़्यादा धूप है, कड़क भी नहीं यार लगभग यार, क्योंकि अभी थोड़ा 9:45 हुआ है, लगभग 9:45 के आसपास चल रहा है, इसके लिए उतना कड़क धूप भी नहीं लग रहा है गाइस मेरे को आज। तो ये रोड है और इधर का नज़ारा दिखा देता हूँ आप लोगों को, वो पहाड़ है, पहाड़ में एक भी पेड़ नहीं है गाइस, पेड़ होना चाहिए लेकिन पेड़ नहीं है, इसके लिए तो यहाँ ज़्यादा धूप होती है। और देखिए यहाँ का जगह पूरा रेड और पत्थर बन लिया, अगर इतना धूप हो जाएगा तो यहाँ से डबल धूप क्रॉसिंग होता है, मतलब जैसा ये गर्म होके ऊपर फिर फेंकता है धूप, गर्म फेंकता है, इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा धूप है, खाड़ी मुलुक वैसे ही बोलता है गाइज।
तो फाइनली आप देख सकते हैं मैं इस तरह का जा रहा हूँ गाइज। ये हमारा क्या बोलता है जाने का रास्ता है इस तरह है, ये भी पहले शायद देखे होंगे, मे भी हो सकता है आप देखा हो पहले, फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइज। तो गाइज यहाँ पे काम करने के लिए सही है, थोड़ा आपका सैलरी ज़्यादा मिलेगा। सो गाइज मैं रुक जाता हूँ एक मिनट, गाड़ी जा रहा है। यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो थोड़ा कड़क ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा गाइज, यहाँ पे टाइम देके काम नहीं होता है। यहाँ पे अपना काम जल्दी और फास्ट और अच्छा काम करना होता है। सो अगर आपको किसी को आपका काम पसंद आ गया तो आपको बुला सकता है, जैसे हम लोगों को कि हम लोग ऐसे नहीं आया, हम लोग पहले इंडिया में काम करता था, फिर वहाँ से हम लोगों को भेजा गया। जैसा आने के टाइम में हमारा खर्चा भी नहीं हुआ, पूरा कंपनी ने दिया, तो सही हुआ कि हम लोग फ्री वीसा फ्री टिकट में आ गए और अभी हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी है अच्छे ही हैं। तो गाइज अगर आप लोग भी चाहते हैं तो ऐसे मत आइए, कुछ काम सीख लीजिए, कुछ सिर्फ हाथ में सीख लीजिए, उसके बाद आइएगा तो आप लोगों को सही रहेगा। तो क्योंकि गाइज यहाँ पे जिसका सिप नहीं रहेगा उसका सैलरी भी कम रहेगा, ये तो पक्की बात है गाइज। सो आप लोगों को अगर आना ही है तो कुछ पहले स्किल बनाइए, उसके बाद अप्लाई कीजिए गाइज। अगर स्किल रहेगा तो अच्छा पगार भी मिलेगा और अच्छा पगार के साथ साथ में काम भी हो जाएगा। नहीं तो फिर गाइज अगर आप लोगों को सिप नहीं रहेगा तो फिर आएंगे, फिर यहाँ पे काम किस तरह का मिलेगा आप लोगों को, ये काम में बोलेगा दूसरा काम में लगा देगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। सो फर्स्ट में आप लोगों को अपने हार्ट में स्किल रखना है, काम सीखना है, उसके बाद बाहर के लिए अप्लाई करना है, या कोई भी देश में हो जाए, या खाड़ी मुल्क में है या फिर कहीं भी गाइज। सो गाइज मैं ये बोलना चाहता हूँ और मैं चले गाइज, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं जाता हूँ थोड़ा स्टॉप करके, मैं अगर किचन पहुँचने के टाइम में फिर वहाँ चालू करूँगा गाइज। सो गाइज अगर आपको विदेश बाहर आना है तो कमेंट करके बताइए कैसा होता है, क्या होता है काम, मतलब काम तो बताऊँगा और क्या क्या लगता है, कैसे अप्लाई करना है वो सब भी बताऊँगा गाइज। चलिए तब तक बने रहिए, मैं आगे जाके मिलूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा पूरा रोड का बनाऊँगा। तो फाइनली गाइज चलिए वीडियो स्टॉप कर देता हूँ और आगे जाके ओपन करूँगा। तो फाइनली गाइज मैं पहुँच गया, मेन रोड क्रॉस करने वाला हूँ और एक बंदा आगे जा रहा है, उससे पूछता हूँ कि उसका क्या हाल है। ठीक है तो चलिए मैं उसको बुला लेता हूँ, ये ईयरफोन लगाया इसलिए उसको सुन नहीं आ रहा है। रोड क्रॉस कर लेते हैं गाइज यहाँ पे, और माला फोन बना गया काम करते हैं। तो फाइनली गाइज हम लोगों को पहुँचने वाला है, ये बंदा बहुत तेज जा रहा है। तो गाइज ये रही हमारा दोस्त है गाइज और क्या नाम है आपका बताइए? मेरा नाम कौशर है। हेलो सर, फ्रॉम वेयर आर यू फ्रॉम? कहाँ से? फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश से हैं, और कैसा काम चल रहा है? बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा है ना, बहुत बढ़िया। कितना बजे ड्यूटी है? मेरा 10 बजे ड्यूटी है। तो मैं भी आज जल्दी आ गया, थोड़ा जल्दी आ गया, साथ में हो गए हम लोग साथ में काम करते हैं, डिशवाशर में और मैं किचन में। तो चलिए चलते हैं गाइस आगे, फर्स्ट 10 बजने वाला है, हम लोग फटाफट जाएंगे। और आप कुछ कहना चाहेंगे बांग्लादेश के लिए बोलिए ज़रा, काम करने जो आता है उन लोगों को कोई मैसेज, जो आएगा कैसा काम मिलेगा ये सब थोड़ा? काम मिलेगा बहुत अच्छा है, उमन माहौल में जो आदमी काम करे बहुत अच्छा है, धूप नहीं मिलता है, बारिश नहीं मिलता है, जाने के टाइम में सिर्फ
तो खर्चा कितना लगेगा बांग्लादेश से आने के लिए? बांग्लादेश में 3 लाख रुपया लगता है ओमान में आने के लिए। बहुत तो, अच्छा ओमान मॉल, बारिश धूप कुछ नहीं मिलता है, 10 घंटा ड्यूटी मिलता है, खाने पीने का मस्त है, खाना पीने बहुत अच्छा है। तो अगर कोई आना चाहेगा तो किस तरह का अप्लाई कर सकता है? आपके पास कोई एजेंसी का कोई इंफॉर्मेशन है तो बता सकते हैं, या फिर टाइम लगता है थोड़ा ज़्यादा? टाइम लगता है क्या ज़्यादा? टाइम लगता है क्या ज़्यादा? नहीं नहीं, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। हाँ, 1 महीने में आ सकते हैं। ओके, चलो फाइनली गाइज हम लोग पहुँचने वाला है ओमान अफ महल। हम लोग पार्किंग में पहुँच गए हैं गाइज, तो पार्किंग इस तरह का है, दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये फर्स्ट फ्लोर का पार्किंग है गाइज, मतलब सबसे ऊपर का, नीचे 2 और है नीचे पार्किंग ओनली। तो अभी जल्दी आ गए इसके लिए, आज पार्किंग थोड़ा खाली खाली लग रहा है, नहीं तो पूरा फुल रहता है गाइज पार्किंग। और मैं ये महल ऑफ ओमान में एंट्री करूँगा तो मैं आई ग्लास रिमूव कर दूँगा, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ेगा वहाँ पे, धूप नहीं है वहाँ अंदर, तो ऑलरेडी नॉर्मल रहता है हर चीज़, जैसे कि वहाँ पे एसी रहता है। तो हम लोगों को जाने और आने के टाइम में थोड़ा धूप लगता है, और सब कुछ ठीक ठाक है। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुँचने वाला है, तो मैं पहले भी आपको शायद ये दिखा दिया होगा, फिर भी आज दिखाई देता हूँ, क्योंकि प्रॉपरली नहीं दिखा पा रहा था उस दिन, थोड़ा भीड़ भटका था इसके लिए। तो ये रही महल ऑफ ओमान का एंट्री, सेकेंड गेट और मेन एक गेट आगे है, मतलब और 2 है उधर, लेकिन ये सेकेंड गेट है। यहाँ से हम लोगों को एंट्री मानना होगा गाइस, यहाँ दिखा देता हूँ इस तरह का है महल ऑफ ओमान। मैं ड्यूटी जा रहा हूँ गाइस, ये खुल गई। मैं फर्स्ट में आई आता हूँ आई ग्लास, उसके बाद इधर से जाऊँगा। मैं आई ग्लास हटा दिया है गाइज, तो आप लोगों को महल दिखा दूँ। तो हम लोग इधर से जाएंगे गाइज, तो महल भी देख लीजिए एक बार। तो लिफ्ट से जाना पड़ेगा हम लोगों को अभी फिलहाल, और मैं लिफ्ट में हूँ। फाइनली हम लोग पहुंचने वाला है अपना रेस्टोरेंट, तो उस हिसाब से मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो ऐसे जाके पूरा दिखाऊंगा आज मैं, आज आप लोगों को किधर से मेरा रेस्टोरेंट का लाइन है, मतलब किधर से जाता है वो सब दिखाऊंगा। तो फाइनली गाइज मैं लिफ्ट में हूँ, तो फाइनली मैं लिफ्ट से नीचे आ गया हूँ, सेकेंड फ्लोर में हमारा रेस्टोरेंट है गाइज। तो ये रही सेकेंड फ्लोर का नज़ारा, तो इस तरह का है नज़ारा यहाँ का। अभी तो मेरे को ठंडा लग रहा है गाइस, एकदम मस्त हवा, मतलब कूल कूल एकदम यहाँ, क्योंकि एसी है हर जगह, इसके लिए यहाँ पे मस्त है। और ये है महल घूमने का गाइस, घूमने का है। और ये रही हमारा, हम लोग इधर से एंट्री मारता है बैक विंडो से गाइस, तो यहाँ से हम लोगों को जाना पड़ता है इस तरह, यहाँ से जाते हैं हम लोग। फाइनली किचन पहुँचने वाला है हम लोग, फाइनली गाइज हम लोग किचन पहुँच गया है, ये हमारा दरवाजा रहे फाइनली। और ये रही लाइट, तो लाइट जला दिया ऑलरेडी, और ये रहे इन, इसको हम लोग फिंगर देना पड़ता है, प्लीज ट्राई अगेन बोल रहा है, मैसिंग नहीं हो रहा है। सो नाउ यू कैन सी दीपक चौधरी माय नेम इज। तो फाइनली गाइज मैंने पहुंच गया है, और ये रही है हमारा फ्रिज वगैरह, सब चीज़ दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये रही। और अंदर का फर्स्ट टाइम गैस जला दिया, गैस जल गया है। इसके बाद मेरे को कपड़ा कैप निकालना होगा, ये सब बटन दबा देता हूँ पहले, लाइट का है ये, चाइनीज वॉक वगैरह का है हर चीज, स्टीमर कॉम्बी का, डिमसम का, और ये हो गया, ये हो गया फैन का, ये हो गया हीट लैम्प का। गाइस फाइनली मैंने किचन पहुंच गया है, किचन पहुंच गया, और मैं आपको दिखा दूं पहले किचन हमारा,
थोड़ा सा, अभी कोई नहीं आया आगे। ये रही हमारा रेस्टोरेंट गाइस, और ये रही चुम्पांग मेकर, चुम्पांग से मैं बनाता हूँ गाइस चुम्पांग। और ये रही हमारा डिमसम स्टीमर, डिमसम स्टीम करते हैं इसमें डिमसम, ठीक है, इसमें बास्केट वगैरह डाल के। और एक कॉम भी है, कॉम भी इसमें राइस वगैरह हर चीज़ स्टीम कर सकता है। मैं इसको चालू कर देता हूँ, चालू कर दिया गाइस ने, ये चालू होने में 5 मिनट लगेगा। और ये रही किचन, ये रेंज है मेन रेंज सॉस का, और वो आगे का फ्राई है, फ्राई है आगे का। और चलो ठीक है, ये रही राइस नूडल, राइस नूडल। और ये रही थाई का, थाई इसमें थाई सेक्शन है, थाई बनता है। और ये रही बेसिन, ये रही फ्रिज टेबल, तो ये चॉपिंग बोर्ड है हमारा गाइस। और ये रही चंपन, ये चंपन है, और डिमसम सेक्शन ये है हमारा गाइस। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं किचन में, और अभी सेटअप सेटअप करेंगे, सेटअप करेंगे। पहले एप्रन चेंज, टोपी कैप चेंज करेंगे, फिर सेटअप करेंगे, फिर उसके बाद काम चालू होगा गाइस। तो अभी यहाँ पे फिलहाल बहुत बिजी होता है गाइस, इसके लिए मैं काम वाला वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ गाइस। तो अगर जब मेरे को टाइम मिल जाएगा तो मैं एक वीडियो बना के ज़रूर डालूंगा, काम किस तरह का होता है, कितना बिजी होता है, बिजी तो बहुत होता है गाइस हमारा। तो फाइनली चलिए गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए। मैं आप लोगों को पूरा किचन दिखा दिया, काम के टाइम में तो यहाँ वीडियो मोबाइल अलाउड नहीं है। सो गाइज मैं पहले आके वीडियो शूट कर दिया हूँ थोड़ा सा, तो जैसे कि आपको पूरा किचन दिखा दिया, और टाइम मिलेगा अगर तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा काम के टाइम पे, मतलब कैसा काम होता है। तब तक के लिए चलिए गाइज, बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट व्लॉग में।